पल्लवी पटेल ने यूपी डिप्टी सीएम के खिलाफ खोला मोर्चा। विधानसभा के पुल, सड़क, अस्पताल का जाना हाल। 300 करोड़ का गंगा पर बना पुल धंसा, बोरी लगाकर साधा। उद्घाटन से पहले पुल और ट्रॉमा सेंटर में आई दरार। एमएलए पल्लवी पटेल ने पैर से उखाड़ी नई सड़क। यूपी के सिरातो विधानसभा में अपना दल की पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को धूल चटा दी थी। हाई प्रोफाइल सीट पर केशव को हजारों वोट से हरा दिया था, लेकिन फिर भी सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिल गया। अब वही पल्लवी पटेल एक बार फिर से आक्रामक हो गई हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के पिछले कार्यकाल में हुए कामों पर सवाल खड़ा कर दिया है। पल्लवी पटेल ने न सिर्फ मौके पर जाकर काम देखा है, बल्कि उसकी पड़ताल भी की है, जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई। सबसे पहले उन्होंने सिरातू से प्रतापगढ़ को जोड़ने वाले दुर्गा भाभी पुल का हाल जाना, जहां पर पिछले दिनों दरार की खबर आई थी। पल्लवी पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिरातू की जनता उस 300 करोड़ का हिसाब मांगने आई। पुल बना और 9 महीने में ही टूट गया। पुल इतना धस गया कि मिट्टी की बोरियां लगाकर भ्रष्टाचार पर लीपापोती की जा रही। दोनों तरफ से पुल दरक रहा है, जगह जगह से उखड़ रहा है और जनता अपने पैसे की लूट का तमाशा देखने को मजबूर है। ए भाई और पीछे यार, फोटो बंद। पुल के बाद पल्लवी पटेल ने एक सड़क का भी जायजा लिया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सिरातू में पैदल चलने वाली सड़क, सिरातू में विकास के नाम पर बनाई गई सड़क को खराब होने के लिए भारी या हल्के वाहन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी मॉर्निंग वॉक और एक बरसात ही काफी है। इसके बाद ये सड़क विकास के दावों की तरह बह जाएगी। पल्लवी पटेल ने एक और वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, कहानी यही खत्म नहीं होती। सिरातू में भ्रष्टाचार और लूट का जो खेल हुआ है, उसका शिकार जनता हुई और इस लूट की कीमत जनता ने अपनी जान देकर चुकाई। ये ट्रॉमा सेंटर सिरातू की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के नाम पर बनाया गया था, मगर इसकी इमारत खुद दरारों से भरी है। इसी ट्वीट थ्रेड में उन्होंने आगे लिखा, छत से लेकर हर दीवार चटक रही है। 8 महीने हो गए उद्घाटन को, मगर ना तो ट्रॉमा सेंटर में एक बेड लगा है। और आश्चर्यजनक बात यह भी है कि पूरे ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स के बैठने के लिए कुर्सी और मेज तक नहीं है, और डॉक्टर भी आज आए हैं। इसके अलावा पल्लवी पटेल ने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा, संदीप की मौत 1 महीने पहले डेंगू से हुई थी और संदीप का घर ट्रॉमा सेंटर के एकदम सामने है। ट्रॉमा सेंटर नरसिंहपुर कछुआ का उद्घाटन 7 जनवरी 2022 को 2,10,00,000 की लागत के साथ हुआ था, लेकिन उसका ताला पहली बार आज खुला है। अगर ट्रॉमा सेंटर चलता तो हम संदीप को बचा लेते। बता दें कि सिरातू विधानसभा में हुए इन कामों के अनियमितताओं और लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। वहीं पल्लवी पटेल ने पुलिस से भी इस भ्रष्टाचार की बाकायदा शिकायत की है और पुलिस अधीक्षक को ही ये ज्ञापन सौंपा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।